हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक सा एक सिंपल सा टेबल का ट्रिक देखने वाले हैं। ये टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, अगर आपको ये आपने पूरा वीडियो देखा और आपको ये ट्रिक समझ आया तो इन इंस्टेंट ऑफ टाइम आप कभी टेबल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो पहले एक रो में, एक कॉलम में हमें लिखना है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक एक पर्टिकुलर सिक्वेंस में, और एक रो में 0, 30, 45, 60, 90 जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा वो टेबल होता है। धीरे धीरे हम वो टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो पहली लाइन आपको बता देता हूँ मैं। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। 0 0 को बताता है 1, 1 के बाद 2, और वही कॉपी किया है हमने, सिर्फ 2 आ गया है रूट में और यह आता है √3/2 और 1। ये लाइन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो आप चाहे तो रट लीजिए, पूरा पूरा लाइन रट लीजिए, क्योंकि अगर आपने पूरा एक पांच वैल्यूज अगर आपने रट ली तो मैं एक साथ कह सकता हूँ कि आप पूरा टेबल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। बहुत ही आसान सिंपल है। तो अब कॉस के लिए हमें क्या करना है, साइन का उल्टा लिखते आना है। जैसा कि देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 को लिखना है 5, 4, 3, 2, 1, यानी कि 1 क्या आ गया, 1 यह आ गया √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। समझ गया, समझ गया आप। 0 का आ गया लास्ट में, ये गया सेकंड लास्ट नीचे, थर्ड का थर्ड। अब 10, 10 के लिए हमें बहुत ही बेसिक सा एक फॉर्मूला पता है, वो अभी यूज करना है। sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा का जो रेशियो होता है वो वैल्यू होती है 10 थीटा की। तो हम फिर से लेते हैं ये रेशियो 0/1 इज इक्वल टू 0, 1/√2, √3/2 आता है 1/√3, ये √2 √2 कैंसिल होता है, 1/√2, 1/√2 आ गया 1। कौन सी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करो तो उसका आंसर 1 आता है, या 2 कैंसिल हो जाता है √3 और 0। कौन सी टर्म को अगर 0 से डिवाइड करो तो वो नॉट डिफाइंड आता है। आपको ये समझने के लिए मैं बताता हूँ, 1/2 / √3/2, तो ये हमको ये डिवाइड करना है, तो ये घूम के उसका रेसिप्रोकल आ जाता है ऊपर 1/2 × 2/√3, ये 2 2 कैंसिल हो गया तो 1/√3 आंसर आ गया। इधर हम ले लें 1/√3। सेम कॉट के लिए 10 का उल्टा लिखने का, जैसा हमने ये कौन सी टर्म को, ये नॉट डिफरेंट है, सॉरी भूल गया, कौन सी भी नंबर को हम अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो वो उसका आंसर नॉट डिफरेंट आता है। तो इसका कॉट के लिए 10 का उल्टा लिखने का, जैसा हमने कॉस कॉस का किया था, इन्फिनिटी √3, 1, 1/√3 और 0। अब निकालनी हमें sec की वैल्यू। sec के लिए भी जैसा हमने sin 10 के लिए किया था वैसे sec के लिए उसका फॉर्मूला है, sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, यानी कि क्या, cos का वैल्यू का रेसिप्रोकल sec की वैल्यू है। तो हमने पूरा चीज 1/1 इज इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू 1, 2/√3/2 है तो यह आएगा 2/√3, 1/√2, 2/√2, 1 डिवाइड में जाता है लेकिन 1 वो इनविजिबल रहता है, इसके लिए हम नहीं लेते। फिर आता है 1/√2 का 2 और 0 का, ये 2/1 लिख सकते हैं हम लेकिन वो इनविजिबल रहता है, और 0 ने अगर 0 को डिवाइड किया तो वो आ गया इन्फिनिटी। फिर कोसेक के लिए उसका सेक का उल्टा लिखने का, इन्फिनिटी तो क्या आ गया 2, इधर √2, 2/√3 और 1। थैंक यू फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, और आपको ऐसे वीडियो और चाहिए ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट्स तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।